हमारे चंडीगढ़ में जो ट्राई सिटी को देखते हैं वो है SPYM, उसका नाम है पूरा सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस। उसके टीम लीडर हैं चंडीगढ़ के, हमारे स्टूडियो में हैं मनीष कुमार जी। मनीष कुमार जी, आपका स्वागत है। हम ये क्योंकि बड़ा ही गंभीर मसला है बातचीत करते हैं कि नशा मुक्ति कैसे की जाए, उसके पहले हम बात करेंगे नशा होता क्यों है। लेकिन आज के डेट में हमारे एज ऑफ नाउ क्या स्थिति है यहाँ? देखिए, अगर आंकड़ों की बात करें तो 2018 में भारत सरकार का एक मंत्रालय है जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के नाम से जानते हैं, यह एजेंसी नोडल एजेंसी के तौर पर देखी जाती है भारत सरकार की, जो नशे के ऊपर काम करती है। तो तकरीबन 17 सालों के बाद एक ऐसा सर्वे किया गया जो पूरे कंट्री में किया गया, और इस सर्वे को टेक्निकली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एक ऑटोनोमस बॉडी है दिल्ली की, उसने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, इस सर्वे को आगे बढ़ाया, और इससे जो आंकड़ा निकल कर आया है वह हमें इस बात की तरफ इशारा करता है कि यह एक गंभीर समस्या है और इस पर हम सबको काम करने की ज़रूरत है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो अलग अलग प्रकार के नशे हैं जिसका इस्तेमाल हमें देखने को मिला। अल्कोहल एक ऐसा नशा है जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद ओपियोइड रिलेटेड नशा है जिसका इस्तेमाल हम दूसरे नंबर पर देखते हैं। फिर कैनबिस, जिसमें हम भांग चरस गांजा की बात करते हैं, उसका नशा हमें काफ़ी देखने को मिला है। जो नींद की दवाएं होती हैं उसका इस्तेमाल हमें देखने को मिला है, और बच्चों के बीच में जो सूंघने वाला नशा होता है उसका भी इस्तेमाल हमें काफ़ी देखने को मिला है। तो जो आंकड़े हैं वो चिंताजनक हैं और ऐसे हैं जिस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है। अब अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो आंकड़े क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं? अगर हमारे पास, हमारे सामने आंकड़े हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमें कार्यक्रम को किस लेवल पर लेकर जाना है, किस तरीके से हमें शुरुआत करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस सर्वे के पहले हमारे पास जो आंकड़े थे वो कुछ बहुत पुराने आंकड़े थे, 2001 में लास्ट सर्वे किया गया था। बट इस सर्वे के बाद सरकार को एटलीस्ट इस बात का अंदाज़ा मिला है कि हमें इस समस्या को कैसे देखना चाहिए, इस समस्या से निपटने के लिए हमें कौन से कदम उठाने चाहिए। और स्पेसिफिकली अगर मैं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की बात करूं तो यहाँ पर जो आंकड़ा निकल कर आया है वाकई एक चिंताजनक है। अगर आप नेशनल डेटा के साथ इस रीजन के डेटा को कंपेयर करेंगे तो जैसे हिंदुस्तान में तकरीबन 5.7 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको अल्कोहल रिलेटेड इश्यूज को लेकर कहीं ना कहीं मदद की ज़रूरत है, उसी तरह से अगर यही आंकड़ा मैं पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में देखूँ तो तकरीबन 27 लाख लोग ऐसे निकल कर आते हैं जिनको किसी न किसी तरीके की मदद की ज़रूरत है अगर वो इससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो हरियाणा में यही आंकड़ा तकरीबन 10 लाख के आसपास का बनता है। तो एज अ होल अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो कुछ आपकी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है जिसकी वजह से यहाँ पर नशा आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, और दूसरा कहीं ना कहीं इस एरिया में नशा होना कोई नई बात नहीं है, बट हम उसमें एक चेंज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ज़रूर देख रहे हैं। तो एक कंसर्न है हम सब के लिए, और सरकार को इस पर काम करने की ज़रूरत है, सोसाइटी को इस पर काम करने की ज़रूरत है, इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज़ को, हम सबको इकट्ठे इस पर काम करने की ज़रूरत है ताकि हम इसको सही तरीके से एड्रेस कर पाएँ। मनीष, आप टीम लीडर हैं इसके SPYM चंडीगढ़ के, जो नशा मुक्ति केंद्र है सेक्टर 18 में जी, जो UT गवर्नमेंट की जो प्रेस बिल्डिंग है उसके साथ ही जो एक केंद्र बना हुआ है। तो उसमें क्या आपकी जो संस्था की ओर से क्या क्या करते हैं आप, अगर आपको अप्रोच करना हो तो कैसे किया जाए, फिर आपका क्या योगदान है इसमें टोटलिटी में? देखिए, एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग अलग अलग तरीके का कार्यक्रम चलाते हैं। जैसे हम लोग आंकड़े की बात कर रहे थे, तो अगर मैं पूरे यूनिवर्स की बात करूं, और एक बात मैं यहाँ पर तवज्जो देना चाहूँगा कि जिस सर्वे का मैंने आपको रेफरेंस दिया है वह सर्वे 10 साल से 75 साल के बीच के जो लोग हैं उनका आंकड़ा आपको दिखाता है। इसका मतलब है कि हमने मेजॉरिटी पॉपुलेशन को इस सर्वे में अगर हम डेटा के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमने शामिल किया हुआ है, और हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान एक यंग कंट्री है। तो ऐसे में अगर यंग लोगों के बीच में इस तरह की समस्या हमें देखने को मिल रही है तो एक चिंता की बात है।
हम लोग एज एन ऑर्गेनाइजेशन दो तीन मुद्दों पर काम करते हैं। पहला मुद्दा है प्रिवेंशन का, कि हम कैसे नशे को या नशे की रोकथाम के ऊपर हम काम करें, ताकि जो लोग नशा नहीं ले रहे हैं, जो यूथ है या यंग पॉपुलेशन है या जो एडल्टहुड में अभी कदम रख रहे हैं, ऐसे लोग जो नशा नहीं ले रहे हैं, उनको हम कैसे आने वाले समय में नशा लेने से रोक पाएं। तो अगर ऐसे लोगों को हम नशा लेने से रोक पाते हैं तो हमारा आधा काम वहीं पर हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपके बीच में नशा लेने वाले लोग नहीं होंगे तो नशे से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हम देखते हैं, इस तरह की समस्याएं आने वाले समय में आपके बीच में नहीं होंगी। दूसरी बात है कि प्रिवेंशन के साथ साथ आपको ये भी देखना होता है कि कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे होंगे जो ऑलरेडी नशा ले रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से ले रहे हैं या छोटे समय से ले रहे हैं, तो ऐसे हर एक व्यक्ति की अपने ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई व्यक्ति 1 साल से नशा ले रहा है उसका ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट अलग होगा, अगर कोई व्यक्ति 10 साल से नशा ले रहा है उसका ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट अलग होगा। तो जिस केंद्र की आपने चर्चा की है उस केंद्र में हम लोग, यह केंद्र यूटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सपोर्टेड है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं, और इस केंद्र में रेजिडेंशियल फैसिलिटी के तौर पर हमने लोगों को ट्रीट करने के लिए जो फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाती हैं वो हमने क्रिएट की हैं। चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, साथ ही साथ हमारे पास जो लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं उसमें पंजाब के लोग होते हैं, हरियाणा के लोग होते हैं, कभी कभी हम लोग हिमाचल से, जम्मू एंड कश्मीर से भी पेशेंट्स रिसीव करते हैं जिनका ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है। तो इन टोटालिटी अगर मैं देखूँ तो जो रीजन है या जिस ट्राई सिटी की आपने बात की या 3 स्टेट्स की आपने बात की जिसको हम यहाँ पर नॉर्दर्न रीजन के तौर पर देख रहे हैं इस वार्तालाप में, उसके लोग आते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, और हमारा प्रयास यही होता है कि ट्रीटमेंट लेने के बाद वो दोबारा नशा शुरू ना करें। लेकिन एक बात हम सबको समझ कर चलने की ज़रूरत है कि नशा एक क्रॉनिक रिलैप्सिबल डिसऑर्डर है। इसका मतलब है एक बीमारी है और इसको हमें एक बीमारी के तौर पर ही देखने की ज़रूरत है। अगर हम इसको बीमारी के तौर पर देखेंगे तब हम इसका इलाज कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग इसको किसी एक इंडिविजुअल के स्वभाव के साथ जोड़कर देखते हैं। बिहेवियरल इशू नहीं है ये, एक बीमारी है। जैसे डायबिटीज़ की बीमारी होती है हम उसका इलाज लेते हैं, कैंसर की बीमारी होती है हम उसका इलाज लेते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ट्रीट करने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। बीमारी का तो दवाई से इलाज होता है जी, क्या इस नशा जो ले रहा है उसका भी दवाई से इलाज है क्या? जी, इसका भी दवा से ही इलाज होता है और एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट है जिसको कहीं ना कहीं फॉलो करते हुए हम लोगों को नशे की के चंगुल से या नशे की चपेट से हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दवाई चीज़ को ख़त्म करने के लिए दवाई लेते हैं और उस दवाई का कहीं और कोई साइड इफेक्ट, कोई और चीज़ चलना शुरू हो जाती है? देखिए, ट्रीटमेंट के 2 एलिमेंट हैं और मैं यहाँ पर प्राइमरी एलिमेंट की बात करता हूँ। एक एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसमें जो ट्रेन डॉक्टर है वो आपका हिस्ट्री असेस करता है, आपने कौन कौन सा नशा लिया है, कितने समय से लिया है, अभी आप कितना लेते हैं, उसका ध्यान करते हुए फिर आपका ट्रीटमेंट वो इनिशिएट करता है। बट ये जो ट्रीटमेंट होता है ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है और इसको हम लोग मेडिकल इंटरवेंशन के तौर पर देखते हैं। इसके साथ एक और इंटरवेंशन होता है जिसको हम कहते हैं साइकोसोशल इंटरवेंशन। इसका मतलब है कि आपका जो इलाज है वो मानसिक तौर पर भी होना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यह बीमारी 2 एलिमेंट्स के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। एक जो बॉडी की फिजिकल रिक्वायरमेंट है उसके साथ जुड़ी हुई है और दूसरा आपके साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट से, मानसिक तौर पर जो आपको जो सपोर्ट देने की ज़रूरत है उसके साथ भी जुड़ी हुई है। तो काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस पूरे इंटरवेंशन का। तो हम इसमें क्या करते हैं, डॉक्टर ट्रीट करता है विद मेडिसिन, और मेडिसिन हमेशा नहीं चलता है, मेडिसिन एक समय के बाद उसको टेपर ऑफ किया जाता है और उसको बंद कर दिया जाता है, और उसके बाद जो सेकेंड फेज है दैट इज़ प्राइमरली साइकोसोशल इंटरवेंशन, जिसमें आपकी काउंसलिंग की जाती है, उन ट्रिगर्स को जिसकी वजह से आपने नशा लेना शुरू किया या नशा आप ले रहे हैं उन ट्रिगर्स को हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, हम आपको वापस अपने परिवार के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, आपको अपने समाज के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, और एज एन इंडिविजुअल आप कैसे वापस ड्रग लेने के पहले का जो फेज था उसमें कैसे आप लौट पाएँ, उसके ऊपर आपकी आपके साथ इंटरवेंशन चलाया जाता है ताकि आप वापस अपने पुराने स्वरूप में आने की कोशिश कर पाएं। मनीष, कई बार होता है कि बच्चा जो है
या कोई भी आदमी है जो उसको पता है कि वो चीज़ का शिकार हो चुका है जी, लेकिन अपने परिवार में तो थोड़ा सा पहले उसको झिझक होती है, फिर वो किस्म का उसके सामने खुल जाता है जी, शर्म जो कह रहा हूँ मैं, शर्म वो नहीं रहती लेकिन उसको समाज की शर्म रहती है। तो ये मानसिक जो है चीज़ें, वो क्या इनको कैसे ट्रीट कर सकते हो? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं आज के समय में, और पर्टिकुलरली मैं करंट कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो अभी फैमिलीज़ के अंदर आप देखेंगे जो रिलेशनशिप है उसका दायरा सिमट रहा है, क्योंकि हमारा ध्यान सोशल मीडिया पर, हमारा ध्यान मोबाइल पर, हमारा ध्यान जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसकी तरफ ज़्यादा है रादर देन फिजिकल वर्ल्ड के। तो अगर आप गौर फरमाएंगे अभी के समय में बच्चे हमारे घर में हैं बट हमसे आइसोलेटेड हैं, क्योंकि हमारे पास उनके लिए वक्त नहीं है। हमारे लिए पास अपने आपके लिए वक्त है, हमारे मोबाइल के लिए वक्त है, हमारे सोशल मीडिया के फ्रेंड्स के लिए वक्त है, बट परिवार के जो लोग मेरे साथ रहते हैं उनके लिए वक्त नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, उनको जो गाइडेंस मिलना चाहिए, उनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए विद इन दैट फैमिली फ्रेमवर्क, समहाउ हम उसको नहीं दे पाते हैं। दूसरी बात, जब हम स्कूल में जाते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो बच्चे इस स्टेज से निकल रहे होते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस, किसी के इन्फ्लुएंस में आना बहुत आसान हो जाता है अगर उसको सही गाइडेंस ना मिले या सही सपोर्ट ना मिले। तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि आपका जो वल्नरेबिलिटी है टुवर्ड्स ड्रग रिलेटेड इश्यूज़ काफ़ी बढ़ जाता है, बिकॉज सपोर्ट सिस्टम जो आपको मिलना चाहिए न स्कूल के लेवल पर मिल रहा है, ना परिवार के लेवल पर मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, अगर बच्चों को हमें सही रास्ते पर लेकर आगे बढ़ना है, हमें बच्चों के साथ समय बिताना पड़ेगा, हमें बच्चों का कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा, सो दैट कभी भी कुछ इस तरह की बात होती है, कोई उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है या उसके मन में कभी इस तरह की भावना आती है कि हाँ मुझको ड्रग ट्राई करना चाहिए, वो मेरे पास आए और मुझसे समझने की कोशिश करे कि वह सही है या गलत है। अगर इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं तो शायद काफ़ी हद तक हम इस समस्या को शुरू होने के पहले रोकने की स्थिति में आ जाएंगे। हम लोग क्वालिटी टाइम की बात करते हैं विद इन द फैमिली, और जनरली कहा जाता है कि आप डिनर टेबल पर इकट्ठे बैठे हैं, डिनर टेबल पर आप बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो पहले हमारे कल्चर में होती थी, अगर हम उस पर स्टिक करेंगे, उसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे, तो एक क्वालिटी टाइम हम बच्चों के साथ, परिवार के साथ हम स्पेंड करेंगे, और ऐसे में बच्चों का या फैमिली मेम्बर्स का कॉन्फिडेंस एक दूसरे में इतना बढ़ता है कि कोई भी गलत काम करने से पहले या गलत कदम उठाने से पहले वह व्यक्ति आपको जरूर आप में कन्फाइड करेगा या आपके साथ शेयर करेगा, और ऐसी स्थिति में आप उसको सही गाइडेंस देने की स्थिति में आ जाएंगे। जी, ऐसे आपकी बड़ी अच्छी बात है कि टाइम देना, लेकिन क्वालिटी टाइम देना जी, इकट्ठे बैठने की कोशिश करना, इस बात से हम सहमत हैं। मैं व्यक्ति तौर पर गलत भी हो सकता हूँ जी, लेकिन ये चीज़ मैं आपसे जो कह रहा हूँ इसके लिए कि पहले भी हमारी जो दादियाँ, हमारी नानी, हमारी माताएं ज़रा पढ़ी लिखी, वो संख्या कम थी जी, लेकिन उन्हीं के बच्चे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हुए हैं, एब्सोल्युटली बहुत टॉप कोटी के डॉक्टर बने हुए हैं, बहुत इंटरनेशनल रिनोन्ड इंजीनियर्स बने हुए हैं, MBA मदर ने नहीं की लेकिन बच्चा किसी बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी का वो RCO है, बिल्कुल MBA है, उनकी मैनेजमेंट थी, लेकिन माँ बाप कहाँ बच्चों के साथ होते थे? सारा दिन तो माँ बाप बच्चों के साथ नहीं होते थे, बच्चे भी अपने अपने, आप देखिए बच्चा जा रहा स्कूल, और मैंने कुछ ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके दोनों पेरेंट्स, माँ और मदर और फादर दोनों काम करते हैं, उनका ही बच्चा टॉपर आता है। वो बच्चों को टाइम कहाँ दे पाते हैं? एक वो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, बच्चा सुबह स्कूल से आता है, दोपहर को ताला खोलता है, रोटी बनाता है या रोटी बनी हुई है खा लेता है, अपना काम करता है, उनके बच्चे खराब नहीं होते? एक कहीं ना कहीं वो चीज़ भी है कि हमने घर में वो वाला एटमॉस्फेयर बनाना है ना। अच्छा, ये बात रही, लेकिन वो बात रही कि जितना भी टाइम मिले वो क्वालिटी में रहे। अब चेंजेस हो रही हैं, अब जो कोरोना की महामारी चली है उसके बाद ये जब दवाई आएगी तो बीमारी हो जाएगी जी, दवाई के बाद इसका इलाज शुरू हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ें काफ़ी देर तक चलेंगी जो अब वो हमारा लाइफ स्टाइल चेंज होगा। तो हर बच्चे ने अलग ही कमरे में बैठना होगा, कंप्यूटर बैठा ऑनलाइन कर रहा है, पेरेंट्स भी अपना एट वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो सेपरेट बैठेंगे, तो इंटरेक्शन करने में टाइम। हाँ, संस्कारों की बात होती है जी, जो बच्चों के साथ इतना पर्देबाजी रखना या नहीं रखना या खुल मिला के, वो आपने बड़ी अच्छी बात की है, जो भी टाइम दो, काम टाइम दो, इन क्वालिटी टाइम दो।
अच्छा ये बात रही, पता नहीं मैंने क्या बोला है, लेकिन आपका ज़्यादा मेरे से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है। मैं एक आंकड़ा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छी बात कही, पहले का सिस्टम और आपके सिस्टम में आपने कहीं ना कहीं एक डिस्टिंक्शन यहाँ पर लाने की कोशिश की। मैं एक छोटा सा आंकड़ा देता हूँ और ये चंडीगढ़ का आंकड़ा है। एक कार्यक्रम अभी हमने पिछले साल चलाया चंडीगढ़ पुलिस के साथ, और जो हमारे डीजीपी सर हैं संजय बेनीवाल जी और एसएसपी नीलामरी मैम है, इनकी लीडरशिप में इस कार्यक्रम को चलाया गया। और हमने तीन पॉकेट्स में, धनास, रामदरबार और बापूधाम, ये तीन पॉकेट्स हैं, इनमें हमने बच्चों के साथ काम किया। जब हमने तकरीबन 1200 बच्चों के साथ काम किया तो उसमें एक आंकड़ा निकल कर आया। आंकड़ा क्या निकल कर आया, इनमें से तकरीबन 75% बच्चों ने कहा कि उनके घर में कोई ना कोई नशा लेता है। अब अगर मेरे घर में कोई नशा ले रहा है तो मेरी वल्नरेबिलिटी नशा लेने के लिए बढ़ जाती है, क्योंकि मैं अपने घर में इसका इस्तेमाल होता हुआ देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा भी मन करेगा कि मैं उस पदार्थ का सेवन करूँ, और मुझको सही तरीके से गाइड करने वाला मेरे घर में कोई नहीं है, बिकॉज दे आर देमसेल्व्स इनटू सब्सटेंस यूज। तो इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके परिवार का माहौल कैसा है। ज्वाइंट फैमिली स्ट्रक्चर में आपके पास कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम के तौर पर था, अगर माता पिता वर्किंग थे या अवेलेबल नहीं थे तो कोई ना कोई आपके पास बैकएंड सपोर्ट के लिए था। आपके समय में स्थिति ऐसी बन गई है, फादर भी काम करते हैं, मदर भी काम करती हैं, और घर में कोई बैकएंड सपोर्ट नहीं है, तो ऐसे में अगर इस तरह की वल्नरेबिलिटी या इस तरह के ट्रिगर्स आपको दिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी समस्या कई गुना बढ़ जाती है और आप प्रोन हो जाते हैं इस तरह के पदार्थों का सेवन करने के लिए। और ये आंकड़ा बहुत क्लियरली दिखाता है कि 75% फैमिलीज में नशा होने की वजह से उनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ गई, और इन्हीं में से तकरीबन 30-35% बच्चों ने भी कहा कि हाँ हम लोग नशा लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स हैं या फैक्टर्स हैं जो इस बात को डिसाइड करते हैं कि मैं नशा लेना शुरू करूँगा या नहीं करूँगा। तो हमें कहीं ना कहीं उन ट्रिगर्स पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि हम उसको समय रहते एड्रेस कर पाएँ और नशे की शुरुआत होने से पहले हम कहीं ना कहीं उसको रोक पाएँ। मेरे ख्याल में ये ना जो आपने बात कही, मैं इससे हम लोग सहमत हैं क्योंकि आपका काम यही है, तो आपका ज़्यादा हमसे ज़्यादा वो है रिसर्च है, लेकिन एक टोटलिटी में आम एक मैं ले मैन की लैंग्वेज में बात करूँगा कि बच्चों को क्वालिटी टाइम देना जितना भी दो, टाइम देने से अच्छा है कि बच्चे का साथ कैसा है, बच्चे को ट्रैक करना किन बच्चों के साथ घूम रहा है, किन बच्चों के साथ आ रहा है, उस पे ऊपर ज़्यादा है। बिल्कुल, हमारी जो पहले मैं बोलता हूँ जो 80-70 आप देखो एग्जांपल देखो, पंजाब की धरती ने बहुत बहुत कमाल लोग पैदा किए हैं, उनकी माँ को हम उनको सलाम करते हैं, उनको दोनों हाथ जोड़ के नमन करते हैं कि किनके बच्चे, वो तो अनपढ़ थी लेकिन उनकी मैनेजमेंट बड़ी कमाल थी जी, बहुत समझदार थी, पढ़ाई लिखाई और अकलमंदी, ये दोनों डिफरेंट चीज़ हैं दोनों, राइट। अनपढ़ जो आदमी है बहुत बुद्धिमान हो सकता है, होता है, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी भी मैंने बेवकूफ देखे हैं, बहुत डफर देखे हैं, उनके दिमाग नहीं है। तो अनपढ़ता और अकलमंदी ये दोनों डिफरेंट हैं, राइट। तो हमारी माताएं जो हमारी दादियां रही हैं उन्होंने एक बड़ी मैनेजमेंट थी, बच्चे का साथ कौन सा है, बच्चा खेल रहा है तो खेलते खेलते उसी घर में खाना खाया वहीं जाके सो गया, उसको रात को उठा के लाते थे, उनको पता है कि घर कैसा है वो जी साथ अच्छा है जी, ये ट्रैक रखना है कि ये बच्चा है। अच्छा मैं उस पर बात पे आऊँगा क्योंकि बच्चा जब एक क्या किस एज में, दो शब्दों में बताएं, किस एज में ज़्यादा आदत होती है? देखिए शुरुआत अभी के समय में अगर मैं बोलूँ तो शुरुआत हम लोग देखते हैं जब बच्चा 6ठी-7वीं क्लास में होता है, वहाँ से शुरुआत होनी शुरू हो जाती है, और जनरली शुरुआत होती है टोबैको प्रोडक्ट को लेकर, या तो आप टोबैको जो च्यूइंग टोबैको होता है उसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं या सिगरेट का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, और वहाँ से फिर हम धीरे धीरे ग्रेजुएट होते हैं। तो इसीलिए टोबैको को हम लोग गेटवे ऑफ ड्रग कहते हैं, उसके बाद फिर अल्कोहल पे हम जाते हैं, अल्कोहल के बाद कैनबिस होता है, और अभी के समय में अगर हम देखें आंकड़े को तो पहले जो बच्चे या जो एडल्ट नशा लेना शुरू करते थे 18-19 साल की अवस्था में, अब हमारे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं जो 12-13-14 साल की अवस्था में भी नशा लेना शुरू कर चुके हैं या उनकी नशा लेने की हिस्ट्री है। इसका मतलब है कि जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसका इनिशिएशन प्रोसेस है वो हमारा कम हो रहा है। इसका मतलब है अर्ली एज में बच्चे नशा लेना शुरू कर रहे हैं, और ऑब्वियसली बात है कि अगर अर्ली एज में नशा लेना शुरू करते हैं तो इसका इम्प्लीकेशन उसके शरीर के ऊपर, उसके दिमाग के ऊपर या उसकी जो बाकी की समस्याएँ हैं उसके साथ काफ़ी गंभीर होगी, बिकॉज समय के साथ
चीज़ें खराब होती हैं, डिटीरियोरेट होती हैं, तो प्रयास हमारा ये भी होना चाहिए कि अगर कोई नशा लेना शुरू भी करता है तो हमारा इनिशिएशन स्टेज इतना लंबा हो ताकि उसके शरीर के ऊपर जो हम प्रभाव देखते हैं उसको हम कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर पाएं। निश्चित एक बात है, क्योंकि चलते चलते हम ये बात करते हैं कि अब जो बच्चा ले रहा है जी, अब थोड़ा कम शब्दों में बताएं उसके लक्षण क्या हैं कि बच्चा उन आदतों का शिकार हो चुका है, उसके सिम्टम्स क्या हैं। देखिए सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो जैसे जो रूटीन एक्टिविटी होती है आप उसको उससे कटता हुआ देखेंगे। जैसे अगर मैं स्कूल जाता हूँ या बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल से एब्सेंटिज्म आपका होता हुआ दिखेगा। बच्चा स्कूल जाता तो है घर वालों को दिखाने के लिए, बट स्कूल नहीं पहुंचता, कहीं और पहुंचता है। दूसरा, घर में वो कटा कटा रहेगा, इरिटेट होगा, या घर में अगर उसको ड्रग खरीदने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत है तो आपको पता चलेगा कि रिसोर्सेज कुछ पैसा घर से निकलना शुरू हो गया, या छोटी मोटी जो चोरियाँ हैं घर के अंदर वो होनी शुरू हो जाती हैं, बात बात पे आपके साथ इरिटेट होना, आर्ग्यू करना, या जो नॉर्मल जो हमारा एंटरटेनमेंट का जो सोर्स होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना, घर में लोगों के साथ इकट्ठे बैठकर खाना नहीं खाना। तो ये कुछ जो वार्निंग सिग्नल्स हैं इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ इस तरह की समस्या हो सकती है। ज़रूरी नहीं है वही होगा, बट ये एक आपको एक सिग्नल देगा कि हाँ देर इज़ समथिंग रॉन्ग, समथिंग अमिस, और इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। प्लस आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि मेरा फ्रेंड सर्कल कैसा है, जो बच्चे मेरे साथ रहते हैं वो किस तरीके के हैं। अगर बच्चे ऐसे हैं जो नशा लेने वाले हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं उस ग्रुप का हिस्सा हूँ जो सही नहीं है। तो यह भी एक सिग्नल हो सकता है, और हम सब जब समाज में रहते हैं तो हमको पता होता है कि हम मेरा बच्चा किन बच्चों के साथ खेलता है कूदता है, तो एक अंदाज़ा हमें वहाँ से भी मिल जाता है कि वाकई मेरा बच्चा सही संगत में है या नहीं है। तो ये सारे सिग्नल्स हैं जिससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, या स्कूल के लेवल पर टीचर्स अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सब कुछ सही जा रहा है। अगर मैं स्कूल के ग्रेड की बात करूँ, ग्रेड में आपको डिटेरियोरेशन दिखेगा, इसका मतलब है बच्चा स्कूल में जो चल रहा है उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा है। तो ये इस तरह की चीज़ें आपको जनरली एक बच्चे में दिखेंगी जब हम ड्रग यूज़ की बात करते हैं। ठीक है मनीष जी, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। जानकारी सबसे पहले ये है कि आपका जो सेंटर चंडीगढ़ में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑफिस प्रेस बिल्डिंग है उसके साथ है, किसी ने अगर आपको अप्रोच करना है तो अप्रोच करें, आप उनकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं जी, और काउंसलिंग करते हैं, पेरेंट्स को भी थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं जी। तो दर्शकों ये सामने खुल के बातें ये आई हैं कि बच्चे का जो बिहेवियर है, बच्चे का बर्ताव है, उसके ऊपर नज़र रखनी बड़े प्यार से, बच्चे का सर्कल कैसा है, उसका साथ कैसा है, बच्चा कहाँ बैठ रहा है। तो बच्चे को जरा अपनी ओर से प्यार दो, अच्छी तरह से मन खुश रखो। अगर बच्चा कोई इरिटेट होता है तो उसको थोड़ा सा कोऑपरेशन देना पड़ेगा कुछ उम्र तक, जब बच्चा समझ जाता है तो फिर ठीक है अपने आप वो चलेगा। तो ये पेरेंट्स का ज़्यादा माहौल है, और जो पड़ोसियों का आसपास का, ये मत समझें कि उनका बच्चा ख़राब हो रहा है तो हमको असर नहीं, उनको भी असर होगा। किसी डॉक्टर ने किसी को कहा कि किसी पेशेंट ने पूछा डॉक्टर से, डॉक्टर साहब ये जो सर्जरी है कितनी छोटी है कि बड़ी है। डॉक्टर साहब ने ये कहा कि सर्जरी कोई छोटी नहीं होती, जो अपने ऊपर हो रही है बड़ी, जो दूसरे के ऊपर हो रही है छोटी, दूसरे का है तो उसको क्या दर्द है, जो अपने छोटी भी है तो वो बड़ी होगी। तो इसलिए अपना दर्द ही अपना नहीं होता, पड़ोसी का बच्चा ख़राब हो रहा है आसपास तो उसको प्यार से डील करना, उसको भी थोड़ा कोऑपरेशन दे। तो मैं समाज ये जो हमारा जो जो बच्चे समाज इस समय कुछ लोग आ रहे हैं तो वो आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, संभल के चलना है। आप मनीष जी, आपका सेंटर सरकार की मदद से बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपने हमें जानकारी दी। एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से जी, जो सेक्टर 18 का सेंटर है दैट इज़ मेंट फॉर एडल्ट्स, जो 18 साल से ऊपर वाले हैं उनके लिए है, और चंडीगढ़ रीजन में जितने भी सेंटर्स चल रहे हैं वो प्राइमरली एडल्ट्स के लिए हैं। बच्चों के लिए इस तरह का सेंटर बनाने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज हम सब देख रहे हैं, आंकड़ा हमारे सामने है कि बच्चे ऐसे हैं जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है। बाय एंड लार्ज उनको काउंसलिंग सपोर्ट से भी यह सुविधा दी जा सकती है और उनको ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको रेजिडेंशियल फैसिलिटी की ज़रूरत है तो ऐसे सेंटर की ज़रूरत है। और मेरा आग्रह आपके माध्यम से सरकार से ये होगा कि कम से कम इस रीजन में एक ऐसा सेंटर जरूर सेटअप करें जहाँ पर ऐसे बच्चे जिनको इलाज की ज़रूरत है, जो सेंटर में जाकर इलाज करवाना चाहते हैं, वो उस सुविधा का फ़ायदा आने वाले समय में उठा पाएँ। बिकॉज
अभी के समय में दिस इज़ द नीड द आर, और आने वाले समय में अगर हम बच्चों के बीच में वाकई सही तरीके से पहुंचना चाहते हैं तो इस तरह की सुविधाओं को लेकर आना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो बात है वो है मानसिक तौर पर, जो साइकोलॉजिकली बच्चों को हमने प्यार देना है, बच्चों को औरों के सामने या स्कूल टीचर को पता है कि बच्चे की आदत है तो उसको औरों के सामने डांटना भी नहीं है। Absolutely. बच्चा कहीं से डेट ना हो जाए, उसको ये लगे भाई मेरी चीज़ अभी छुपी है तो छुपी रहे, वो डर थोड़ा एक संकोच बना रहेगा तो बच्चा समझ जाएगा, जब वो चीज़ खुल गई तो फिर तो बेशर्म हो गया। इसलिए माता पिता को पड़ोसियों को बड़े सामाजिक तौर पर उसको एक मानसिक तौर पर उसको डील करना है। मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है, हम दुआ करते हैं कि जो समस्या बनी है वो ठीक ठाक हो जाएगी, हम प्यार से डील करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मनीष जी आप स्टूडियो में आए, आपका शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।